हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फोर्थ क्लास किड्स. वेलकम टू फिनिक्स इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल एंड वेलकम बैक टू अवर 57th सेशन. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल देयर. सो चिल्ड्रंस, लेट्स स्टार्ट अवर हिंदी क्लास. सो चिल्ड्रंस, व्हाट वी लर्न इन अवर प्रीवियस क्लास? हम हमारे प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे बच्चों? हमारा कौन सा लेसन चल रहा है? आई थिंक अवर थर्ड लेसन इज गोइंग ऑन. ओके, व्हाट इज अवर थर्ड लेसन नेम? कृष्णा और सुदामा. देखिए, हम लास्ट प्रीवियस क्लास में कृष्णा और सुदामा का लेसन पढ़े थे, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन करे थे. और लास्ट क्लास में देखिए, आपको यहाँ पर हम मीनिंग्स भी लिखे थे. आपके नोट्स में क्या लिखना था? आपको इसके शब्द अर्थ लिखना था, यानी कि वर्ड्स मीनिंग लिखना था. तो चलिए, आज हम ये लेसन के कृष्णा और सुदामा जो है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, कृष्णा और सुदामा जो लेसन है बच्चों, उसका यहाँ पर उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम आज. लास्ट प्रीवियस क्लास में देखिए बच्चों, आपको फर्स्ट बिट इसके कठिन शब्द थे. फर्स्ट बिट आपको कठिन शब्द लिखना था, यानी कि हार्ड वर्ड्स थे. सेकंड बिट आपको शब्द अर्थ थे, यानी कि वर्ड्स मीनिंग्स. अब थर्ड बिट देखिए, आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, कि यानी कि प्रश्न और उत्तर. ठीक है, ये थर्ड लेसन है कृष्णा और सुदामा. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट. आई थिंक आप लोग लेसन नेम तो लिख लिए होंगे. जहाँ पर कठिन शब्द और शब्द अर्थ लिखे आप लोग, वहाँ पर आप लोग लेसन नेम मेंशन करे होंगे ना. सो नो नीड टू राइट अगेन लेसन नेम. ओके, जस्ट मेंशन द हेडिंग. ओके, आपको हेडिंग मेंशन करना है बच्चों. थर्ड बिट प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्न मीन्स यस क्वेश्चन, उत्तर मीन्स आंसर. ठीक है, तो चलिए हमारा पहला प्रश्न देखिए बच्चों. कृष्णा और सुदामा कौन थे? काकू री की मात्रा आदश आना कृष्णा और रा और कृष्णा और सुदामा साकु छोटी की मात्रा सु दाकुआ की मात्रा द सुदामा कुआ की मात्रा मा. कृष्णा और सुदामा कौन थे? काकू औ की मात्रा ना कौन धाकुए की मात्रा थे. कृष्णा और सुदामा कौन थे? तो बच्चों कृष्णा और सुदामा कौन थे, हमारा लेसन है ना कृष्णा सुदामा. तो कौन थे बच्चों कृष्णा और सुदामा? दोनों जो है बहुत ही अच्छे मित्र थे, यानी कि दोस्त थे. ठीक है, तो चलिए उत्तर देखिए. कृष्णा और सुदामा दो अच्छे मित्र थे. दोस्त जो होते हैं फ्रेंड, उसे हिंदी में मित्र भी बोलते हैं. ठीक है, चलिए आइए इसे स्पेलिंग से पढ़ लेंगे हम. उत्तर कृष्णा काकू री की मात्रा आदश अना कृष्णा. कृष्णा और अ, यहाँ पर देखिए हमारा जो स्वर है यहाँ पर औ स्वर है. ठीक है, अ आ ई ई उ ऊ रु ए ए आई ओ औ औ रहता है ना बच्चों. औ स्वर जो है यहाँ पर औ है, फिर यहाँ पर रा है. और कृष्णा और सुदामा साकु छोटी की मात्रा सु दाकुआ की मात्रा दा सुदामा कुआ की मात्रा मा सुदामा. तो बच्चों आप लोग भी इसी तरह से पढ़ते हुए अपनी नीड्स अपनी नोट्स में ये कंप्लीट करिए क्वेश्चन आंसर. ठीक है, रीड विथ स्पेलिंग. ओके, कृष्णा और सुदामा साकू की मात्रा सु दाकुआ की मात्रा दा सुदामा कुआ की मात्रा मा सुदामा दो दाकुआ की मात्रा दो. कृष्णा और सुदामा दो अच्छे आ अदच्चा अच्छा कोई की मात्रा छे अच्छे मित्र माँ को छोटी की मात्रा त्र मित्र था कोई की मात्रा थे. कृष्णा और सुदामा दो अच्छे मित्र थे. ठीक है, ये हमारा पहला उत्तर है. चलिए दूसरा प्रश्न देखिए. सुदामा की पत्नी ने कृष्णा के पास जाने की सलाह क्यों दी होगी? जो हमारा लेसन है बच्चों कृष्णा और सुदामा, उसमें जो है सुदामा की पत्नी जो थी, उन्होंने सुदामा के दोस्त जो थे कृष्णा, उनके पास जाने की सलाह क्यों दी होगी? क्यों दी होगी, आपको याद है? सुदामा जो है एक गांव में रहते थे अपनी पत्नी के साथ, और उनके घर के हालात बहुत ही ख़राब होते जा रहे थे, और कभी तो उनको कुछ खाने को भी नहीं मिलता था. इनके घर परिवार के हालात बहुत ही ख़राब होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी. तब इस पर उनकी पत्नी सुदामा ने कृष्णा के पास जाने की सलाह दी होगी. ठीक है, चलिए उत्तर देखिए. सुदामा के परिवार की हालत ख़राब होती जा रही थी, इसलिए सुदामा की पत्नी ने कृष्णा के पास जाने की सलाह दी होगी. ठीक है, तो चलिए ये हम इसे स्पेलिंग से पढ़ लेंगे. सुदामा साकु छोटी की मात्रा सु दाकुआ की मात्रा द सुदामा कुआ की मात्रा मा सुदामा काकुए की मात्रा के सुदामा के परिवार पाकु पा राकु छोटी की मात्रा री परी वाकुआ की मात्रा रा परिवार काकुबड़ी की मात्रा की सुदामा के परिवार की हालत
क्वा की मात्रा हा ल त हालत, सुदामा के परिवार की हालत, परिवार मीन्स फैमिली, ठीक है, सुदामा के परिवार की हालत खराब, खरा क्वा की मात्रा बा खराब होती, हा क्व की मात्रा हो ताको बड़ी की मात्रा ती होती, जा जा क्वा की मात्रा जा होती जा रही, रा हा को बड़ी की मात्रा ही रही, था को बड़ी की मात्रा थी रही थी, इसलिए ईसा इस ला को छोटी की मात्रा ली, इसलिए यहाँ पर देखिए कौन सा स्वर है ये ए, इसलिए सुदामा सा को छोटी ऊ की मात्रा सु दाकुआ की मात्रा द सुदा माकुआ की मात्रा माँ सुदामा, इसलिए सुदामा की काकू कौन सी की मात्रा है बच्चों ये इसका को बड़ी की मात्रा की, इसलिए सुदामा की पत्नी पा आधा ता, यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पे आधा ता है, पा आधा ता पत नाकु बड़ी की मात्रा ने पत्नी ने नाकु की मात्रा ने सुदामा की पत्नी ने कृष्ण काकु री की मात्रा आदर्श अना कृष्ण काकु की मात्रा के कृष्णा के पास पाकुआ की मात्रा सा पास जाने जाकुआ की मात्रा जा नाकु कौन सी मात्रा है यस नाकु की मात्रा ने जाने काको बड़ी की मात्रा की जाने की सलाह स लाकुआ की मात्रा हा सलाह दी दाको बड़ी की मात्रा दी सलाह दी होगी होगी में देखिए बच्चों कौन सा व्यंजन है यानी कि कौन सा अक्षर है और कौन सी मात्राएं हैं हा को ओ की मात्रा क्या हो गया बच्चा हो गा को बड़ी की मात्रा गी होगी सलाह दी होगी सुदामा के परिवार की हालत खराब होती जा रही थी इसलिए सुदामा की पत्नी ने कृष्णा के पास जाने की सलाह दी होगी ठीक है बच्चों ये हमारा दूसरा उत्तर है ठीक है तो आप लोग भी इसी तरह से रीडिंग करते हुए अपनी नोट्स में ये क्वेश्चन आंसर्स लिखिए ठीक है रीड एंड राइट राइट नीटली एंड प्रॉपरली रीड विद स्पेलिंग ओके नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन तो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न देखिए सुदामा गांव पहुंचकर क्यों दंग रह गए सुदामा जो थे हमारा जो लेसन है कृष्णा और सुदामा उसमें जो है सुदामा गांव पहुंचकर जैसे ही उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्णा के पास जाने की सलाह दी थी तब वे अपने मित्र के पास गए थे कृष्णा के पास मिलने वहाँ पर उन्होंने थोड़े दिन वहाँ पर ठहरे अपने मित्र के पास और जब उन्होंने गाँव वापस आए तो गाँव पहुँच कर वे क्यों दंग रह गए क्यों दंग रह गए थे बच्चों हैरान रह गए थे आश्चर्यचकित रह गए थे क्यों क्योंकि जहाँ पर उनका टूटा फूटा घर था वहाँ पर एक महल खड़ा था तो वे इसीलिए गांव पहुंचकर दंग रह गए ठीक है तो चलिए आइए हमारा जो उत्तर है इसे हम स्पेलिंग से पढ़ लेंगे सुदामा साकु छोटी की मात्रा सुदाकुआ की मात्रा दा सुदा माकुआ की मात्रा माँ सुदामा गाँव गाकुआ की मात्रा चंद्रबिंदु वा गाँव सुदामा गाँव पहुँच कर पा हाकु ऊ की मात्रा चंद्रबिंदु चा पहुँच करा कर पहुँच कर क्यों आधा का याकु की मात्रा क्यों द कु अनुस्वर की मात्रा ग दंग रह र रह गए ग ए गए सुदामा गांव पहुँच कर क्यों दंग रह गए ये हमारा प्रश्न है चलिए उत्तर देखिए सुदामा गांव पहुँच कर इसलिए दंग रह गए जहाँ उनका टूटा फूटा घर था वहाँ अब महल खड़ा था चलिए उत्तर को हम एक बार स्पेलिंग से पढ़ लेंगे साकु छोटी की मात्रा सु दाकुआ की मात्रा दा सुदाम आकुआ की मात्रा माँ सुदामा गाकुआ की मात्रा चंद्रबिंदु वा गाँव सुदामा गाँव पहुँच कर पा हाकु की मात्रा चंद्रबिंदु चा पहुँच करा कर सुदामा गाँव पहुँच कर इसलिए ई स इस लाकु छोटी की मात्रा ली ए इसलिए दाकु अनुस्वर की मात्रा ग दंग र रह ग ए यहाँ पर देखिए जो स्वर है ए है गए दंग रह गए जहाँ जा हाकुआ की मात्रा चंद्रबिंदु जहाँ उनका ऊ ना उनका कुआ की मात्रा का उनका टूटा फूटा टाकु बड़ियों की मात्रा टू टाकुआ की मात्रा टा टूटा फूटा फाकु बड़ियों की मात्रा फो टाकुआ की मात्रा टा फूटा घा र घर थाकुआ की मात्रा था जहाँ उनका टूटा फूटा घर था वहाँ अब महल खड़ा था वा हाकुआ की मात्रा चंद्रबिंदु वहाँ अब मह ल महल खड़ अकुआ की मात्रा ड खड़ा थाकुआ की मात्रा था जहाँ उनका टूटा फूटा घर था वहाँ अब महल खड़ा था इसीलिए वे गांव पहुँच कर दंग रह गए बच्चों ये हमारा तीसरा उत्तर है ठीक है आपके देखिए ये लेसन में सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर्स है ठीक है
सो राइट ऑन दिस थ्री क्वेश्चन आंसर्स वन टाइम इन योर नोट्स, राइट नीटली एंड प्रॉपरली, रीड एंड राइट चिल्ड्रंस, ओके, रीड विद स्पेलिंग, ओके, जैसे हमने अभी यहाँ पर स्पेलिंग से पढ़ा है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स, उसी तरह से आप भी स्पेलिंग से पढ़ते हुए अपने नोट्स में ये थ्री क्वेश्चन आंसर्स अपने नोट्स में कंप्लीट करिए, ठीक है. राइट नीटली एंड प्रॉपरली, डोंट डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, यहाँ पर जो मात्राएँ हैं सिम्बल्स है उसकी भी मिस्टेक मत करिए, ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग वन क्वेश्चन एंड आंसर, लीव वन लाइन एंड राइट सेकेंड वन, ओके. सो चिल्ड्रंस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन आंसर्स. इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज बिट्स रीडर पार्ट. टिल देन कंप्लीट दिस बिट इन यूर नोट्स. सो इंशाल्लाह विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन.